नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोटरल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फ्लोटरल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फ्लोटरल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लोटरल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्लोटरल टैबलेट अल्फा ब्लॉकर ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने पर किया जाता है। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने को मेडिकल भाषा में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बीपीएच भी कहते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब की थैली को पूरी तरह से खाली न कर पाना, पेशाब की धार का कम होना, पेशाब करने में परेशानी या दर्द होना, पेशाब में खून आना, रुक रुक कर पेशाब आना और पेशाब करने के बाद भी बूंद बूंद पेशाब टपकना आदि लक्षण पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज ज्यादा बढ़ने की वजह से पेशाब का आना पूरी तरह से बंद भी हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक सामान्य बात है और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने का जोखिम अधिक होता है। फ्लोटरल टैबलेट पुरुषों में प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से पुरुषों को पेशाब करने में आसानी हो जाती है। फ्लोटरल एक ब्रांड नेम है। फ्लोटरल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एल्फ्यूजोसिन 10 mg होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फ्लोटरल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फ्लोटरल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, बेहोश होना, सिर दर्द होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना आदि साइड इफेक्ट्स फ्लोटरल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोटरल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फ्लोटरल टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर फ्लोटरल 10 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोटरल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्लोटरल टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि आपको फ्लोटरल टैबलेट को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्लोटरल टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, एंजाइना होने पर, ब्लड प्रेशर कम होने पर और एंटीफंगल व एचआईवी की दवाओं के साथ फ्लोटरल टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना फ्लोटरल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को फ्लोटरल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को फ्लोटरल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फ्लोटरल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।